तो पिछली कक्षा में हम लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण पढ़ रहे थे और उसमें हम लोकतंत्र का हमने परंपरागत उदारवादी सिद्धांत पढ़ा था। उसी प्रकार से हमने लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत पढ़ा था, लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत पढ़ा था, लोकतंत्र का हमने जो है मार्क्सवादी सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। और अब हमारा जो अगला सिद्धांत है वह है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो देखिए, लोकतंत्र के हमने जो है पिछली कक्षा में जो 5 सिद्धांत पढ़े थे उसमें अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। तो देखिए, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, तो देखिए लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जो है वो लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत दोनों के बीच का रास्ता है। अर्थात उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत में समन्वय स्थापित करके ये सिद्धांत बनाया गया है। तो जहां पर लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत हिंसा क्रांतिकारी साधनों की बात करता है, वहां पर लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत जो है संवैधानिक साधनों में विश्वास व्यक्त करता है। और इसका ये मानना है कि जो भी परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन क्रमिक विकास के द्वारा होता है और परिवर्तन में हिंसक साधनों के स्थान पर अहिंसक और संवैधानिक साधनों की बात करता है। तो इस प्रकार ये समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र में विश्वास करता है और इसलिए हम इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत। तो देखिए, इसे हम लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये परिवर्तन की बात तो करता है लेकिन परिवर्तन के लिए हिंसक साधनों के स्थान पर ये संवैधानिक साधनों में विश्वास व्यक्त करता है और लोकतांत्रिक साधनों में ही अपनी पूर्ण आस्था रखता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र का ये सिद्धांत जो है, लोकतंत्र का यह समाजवादी सिद्धांत है जिसमें हम देखते हैं कि इसे लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, यह सिद्धांत लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास व्यक्त करता है, लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास व्यक्त करता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसकी अगाध आस्था है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी, इसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी, इसे लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि के शासन में, यह विधि के शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका
स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संविधान की सर्वोच्चता तथा संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास व्यक्त करता है, तो देखिए हमने लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत में ये माना कि लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों में अपना पूर्ण आस्था रखता है और इसमें परिवर्तन जो होता है वो हिंसक साधनों के द्वारा न होकर लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास ही व्यक्त करता है और परिवर्तन जो है लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा ही इसमें किया जाता है। तो इसमें हम जो लोकतंत्र के जो मूल्य और आदर्श है, जो हम लोकतंत्र के आधार स्तंभ मानते हैं, उनमें ही विश्वास व्यक्त करता है। जैसे कि संविधानवाद विधि का शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो इस प्रकार ये इन वही उदारवादी मूल्यों में विश्वास रखता है जो कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। तो देखिए इस प्रकार से हमने लोकतंत्र के जो है विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण पढ़े और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के जो है विभिन्न सिद्धांतों में हमने इन सिद्धांतों के द्वारा हम ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनता जो होती है प्रमुख होती है, वही शासन का प्रमुख आधार होती है। तो अब हम इन सिद्धांतों के बारे में लोकतंत्र के बारे में जो विचारकों ने अपने दृष्टिकोण बताए हैं वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र के बारे में विचारकों ने अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किए हैं। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं इस प्रकार हैं। तो देखिए लोकतंत्र के संबंध में प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। देखिए जैसे कि डाइसी ने लिखा है, डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग अधिकांश भाग शासक होता है अगली परिभाषा है सीली के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है
शासन व्यवस्था है जिसमें जिसमें प्रत्येक जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। व्यक्ति का भाग हो। अगली परिभाषा है अब्राहम लिंकन के अनुसार। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता का लोकतंत्र जनता के लिए जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो देखिए, इस प्रकार से लोकतंत्र के बारे में हमने प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी और इन परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है संपूर्ण जनता का जो है भागीदारी सुनिश्चित होती है और संपूर्ण जनता जो होती है इसमें शासन सत्ता में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है और इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, इसलिए इसे हम जो है लोकतंत्र जनतंत्र कहते हैं, जो कि जनता का शासन इसमें प्रमुख रूप से होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस परिभाषाओं के आधार पर जो है इस शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण जो है इस प्रकार से हैं। तो देखिए, इन परिभाषाओं के बाद में हम इस शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण की बात करते हैं कि इस शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं। देखिए, इन परिभाषाओं के आधार पर हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो है प्रमुख लक्षण या विशेषता इस प्रकार बता सकते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण या विशेषता इस प्रकार है। तो देखिए, लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण प्रमुख लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार है। तो देखिए, इसके प्रमुख लक्षण है, पहला है इसका प्रमुख लक्षण जनता का शासन। पहला है जनता का शासन, क्योंकि इसमें जनता द्वारा शासन किया जाता है, इसलिए इसकी पहली विशेषता है जनता का शासन। किसमें प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है और जनता स्वयं इसमें जो है शासन करती है, निर्वाचन में उसे खड़े रहने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी शासन करती है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है जनता का शासन प्रमुख है। अगला है जनता द्वारा निर्मित शासन। दूसरा पॉइंट है जनता द्वारा निर्मित शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन। तो देखिए, जनता द्वारा निर्मित शासन यानी जनता जो होती है वो सरकार का निर्माण करती है। तो देखिए, इसमें सरकार का निर्माण
सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है, जनता सरकार को निर्वाचित करती है और सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि सरकार का निर्वाचन जनता स्वयं करती है और जनता जो होती है स्वयं इसमें चुनाव में खड़ी भी हो सकती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी शासन करती है। तो इसलिए इस शासन व्यवस्था में जनता स्वयं जो है सरकार के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी जो है देती है। अगला है, लोकतंत्र शासन एक साधन है साध्य नहीं। तो देखिए, लोकतंत्र शासन एक साधन है, लोकतंत्र शासन एक लोकतंत्र शासन लोकतंत्र शासन एक साधन है, एक साधन है लोकतंत्र शासन एक साधन है साध्य नहीं। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक प्रमुख साधन है, साध्य नहीं है। अर्थात जो है लोकतंत्र कभी भी साध्य नहीं माना जाता, बल्कि एक साधन माना जाता है। अगला है, अगली विशेषता है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तो देखिए, ये शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि जनता के प्रति शासन उत्तरदायी माना जाता है और तो देखिए, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन इसमें होता है और जनता की जवाबदेही इसमें प्रमुख रूप से मानी जाती है। और यदि शासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो अगली बार जो है चुनाव में जनता नई सरकार को निर्वाचित करती है, तो हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में उत्तरदायी और जवाबदेही शासन की बात होती है। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र विकासशील साधन है। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र विकासशील साधन है, विकासशील साधन है। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कई अवस्थाओं से गुजरती है और किस प्रकार से जो है व्यक्तिवादी लोकतंत्र बाद में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो है बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य जो है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और व्यक्तिवादी लोकतंत्र में हम देखते हैं कि इसमें राज्य के हस्तक्षेप की बात की जाती है, लेकिन फिर आगे की विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए ये लोक कल्याणकारी राज्य में आगे चलकर बदल जाता है। तो इस प्रकार ये विकास की प्रक्रिया से गतिशील है। तो देखिए, इस प्रकार हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के हमने जो है प्रमुख लक्षण और विशेषताएं अभी देखी। तो देखिए, अब है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण और दोष। तो देखिए, जो कि आपके 20 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें इस तरह से प्रश्न आता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण और दोषों का आप क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। और प्रश्न एक ये भी आता है कि लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है,
लोकतंत्र के आशय को स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र के प्रमुख गुण और दोषों का वर्णन करते हुए इसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनकी आप व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रश्न इस तरह से तीन भागों में बढ़ जाता है, लोकतंत्र से आप क्या हम समझते हैं, फिर लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए आपको इसके गुण और दोष और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का जो है इसकी व्याख्या करनी होती है। तो अब हम लोकतंत्र के गुण विशेषताएं की बात करते हैं कि लोकतंत्र के गुण क्या हैं। तो देखिए लोकतंत्र के प्रमुख गुण, लोकतंत्र के प्रमुख गुण देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है सार्वजनिक हित में वृद्धि, पहला पॉइंट है सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सार्वजनिक कल्याण पर आधारित होती है और इसमें सभी के हित की बात की जाती है, एक व्यक्ति के हित की बात नहीं होती है। तो हम इस शासन व्यवस्था में सार्वजनिक हित की बात करते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं, तो ये व्यवस्था जो है सार्वजनिक हित की वृद्धि में सहायक होती है। अगला पॉइंट है कार्यकुशल शासन। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषता है कार्य कुशल साधन। तो देखिए कार्य कुशल साधन इस शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें कार्य कुशलता देखने को मिलती है कि किस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रबंधन बहुत ही जो है अच्छे प्रभावपूर्ण तरीके से होता है और इस शासन व्यवस्था में प्रबंधन की कुशलता हमें देखने को मिलती है, जो कि शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि शासन व्यवस्था में प्रबंधन और इसमें कार्य कुशलता हमें देखने को मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि शासन व्यवस्था में जो शासन प्रणाली जो है और शासन की नीतियां जो बनाई जाती हैं तो किस प्रकार से इसमें कार्य कुशलता देखने को मिलती है कि वो जन सहयोग पर आधारित होती है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तो देखिए सार्वजनिक शिक्षा का साधन ये शासन व्यवस्था है, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। तो देखिए शासन व्यवस्था सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करती है और जनता अपनी सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करके अपनी राय प्रकट करती है, जनमत के निर्माण में जो किस प्रकार से हम देखते हैं कि जनमत का निर्माण इस शासन व्यवस्था में होता है और चुनाव में प्रचार प्रसार जो भी होता है तो वो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो जनता जो होती है वो राजनीतिक उसी शिक्षा प्राप्त होती है। तो इस शासन व्यवस्था में हमें सार्वजनिक शिक्षा जो राजनीतिक शिक्षा जो होती है वो लोग जो हैं उससे शिक्षित होते हैं और वो किस प्रकार से जो है मतदान को प्रभावित करते हैं और चुनाव में जो है अपने विचार प्रकट करते हैं। देखिए अगला है, अगली विशेषता है नैतिक शिक्षा का साधन। अगला है नैतिक शिक्षा का साधन। तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दी जाती है
और व्यक्ति जो है नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, उसमें हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से जो है नैतिक गुणों का समावेश होता है। तो इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो नागरिक जो होते हैं उन नागरिकों में नैतिकता और पवित्रता की भावना जो होती है बहुत ही प्रबल हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इस शासन व्यवस्था में नागरिक नैतिक मूल्य और आदर्शों को बहुत ही महत्व देते हैं और उनके जीवन में नैतिकता और पवित्रता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है, इसकी अगला गुण है स्वतंत्रता व समानता पर आधारित शासन व्यवस्था। स्वतंत्रता तथा समानता पर, स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित आधारित शासन व्यवस्था, आधारित शासन व्यवस्था। तो देखिए, शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसमें स्वतंत्रता और समानता ये महत्वपूर्ण जो है इसमें पक्ष हैं और इन पर लोकतंत्र में इन मूल्यों पर बहुत ही बल दिया जाता है कि इसमें अवसर की समानता की बात की जाती है। किस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी लोगों को जो है समान रूप से अवसर प्राप्त हो, और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होती है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। तो ये शासन व्यवस्था स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसमें प्रमुख रूप से इन पर बल दिया जाता है। अगला गुण हम देखते हैं कि इसमें स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होती है। तो देखिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो देखिए, शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेती है बिना किसी पक्षपात के। तो इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हम लोकतंत्र में देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, अगला इसका गुण है वो यह है कि कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। देखिए, कला कला संस्कृति, कला संस्कृति व विज्ञान की, प्रगति में सहायक। तो देखिए, ये शासन व्यवस्था कला, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है क्योंकि शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता की बात की जाती है। तो देखिए, इसमें कलाओं, संस्कृतियों को किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से जो है उभरने का मौका मिलता है और कला मर्मज्ञ, कला प्रेमी जो है स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होती है और वो किस प्रकार से
अपनी कलाकृतियां बनाने में स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि जो साहित्यकार होते हैं वो लिखने में किस प्रकार से सरकार की आलोचना भी कर देते हैं, और इसी प्रकार से जो एक कलाकार है या मूर्तिकार है वो भी जो है अपने किस प्रकार से अपने मन की बात को अपनी कला के माध्यम से प्रकट कर सकता है। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता मिलती है, और इसी कारण से ये शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कला संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता सभी को प्राप्त होती है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था में कला संस्कृति व विज्ञान जो है बहुत ही ज्यादा इसमें पोषित और पल्लवित होती हैं, और आगे जो है किस प्रकार से जो है उन्नति करती हैं। अगली इसकी विशेषता है वो यह है कि संविधानवाद में आस्था। तो देखिए लोकतंत्र जो है वो संविधानवाद में विश्वास करता है। संविधानवाद का मतलब हुआ कि संविधान में लिखित नियमों पर आधारित सीमित शासन। तो देखिए संविधान में लिखित नियमों पर आधारित शासन होता है, और शासन जो होता है किस प्रकार उत्तरदायी और सीमित होता है। तो देखिए इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं ये शासन व्यवस्था संविधानवाद पर आधारित है। तो देखिए इस प्रकार लोकतंत्र के प्रमुख गुण जो है हमने पढ़े, और इसमें जो है संविधानवाद भी जो है एक लोकतंत्र का प्रमुख गुण है।